برکو نیما کلم کا
जो चाहता है मुझे कुरान की रहमत आज भी मिले, उसके लिए जरूरी होगा कि वो कुरान के साथ साथ साहिब कुरान मोहम्मद मुस्तफा से भी अपना रिश्ता जोड़ के रखे। अगर एक बंदा कुरान पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन कुरान फिर भी उसके लिए शिफा नहीं बन रहा, समझ भी रहा है, पढ़ भी रहा है, कुरान फिर भी हिदायत नहीं बन रहा, कुरान फिर भी उसके लिए रहमत नहीं बन रहा, तो फिर यकीन करो उसका रिश्ता सिर्फ कुरान से तो जुड़ा हुआ है लेकिन साहिबे कुरान से टूटा हुआ है। जब साहिबे कुरान से जुड़ेगा तो ये कुरान आज सदियां गुजरने के बाद भी उसके लिए हिदायत का सबब बनेगा। इसलिए कि हमें कुरान का कुरान होना उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जब तक हम साहिब कुरान मोहम्मद मुस्तफा की अजमत को न जाने। साहिब कुरान से जोड़ना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि ईमान का सबूत है तमन्ना ए मुस्तफा, ईमान का सबूत है तमन्ना ए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे और समझाए मुस्तफा। ठीक है ना, अगर हजूर के बताने के बगैर कोई कहे मैं कुरान को समझ गया, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। वो कुरान को समझने की तरफ बाद में आए, पहले असमत मुस्तफा को अपने सीने में मुजज्जम कर गया, फिर उसको कुरान समझ आए, फिर कुरान शिफा बनेगा, रहमत बनेगा, हिदायत बनेगा। और जो कहे कि बस मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, बस मुझे कुरान का तर्जमा आ गया और मैंने कुरान का सब कुछ समझ लिया, तुम भी ऐसे करो, तो ये सिवाय जहालत के और कुछ भी नहीं होता। बल्कि कुरान को समझने के लिए उसको रहनुमाई जाते मोहम्मद मुस्तफा से लेनी पड़ेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को समझाने का, कुरान को डिलीवर करने का, कुरान को लोगों के लिए शिफा रहमत बनाने का क्या तरीका है, क्या कहा ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफा और कुरान गुफ्तगू करे पर समझाए मुस्तफा। मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर और इस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा, और मेरी तिजोरियां हैं मंजर भरी हुई, मांगे तो और क्या जिसे मिल जाए मोहम्मद मुस्तफा। ठीक है, अगर कुरान से तिजोरी कोई भरना चाहता है और कुरान की बरकत अपने खजाने में लाना चाहता है तो वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक रसूलुल्लाह की साथ से अपना दामन जोड़ के ना रखे। और कोई कहे कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए ख्याल, अकीदा, सोच वो मोहब्बत वाली ना हो, वो चाहत वाली ना हो, इश्क वाली ना हो, मैं कुरान को समझने के लिए साहिब कुरान से अलग होकर कुरान को समझने का तरीका इख्तियार करूं, वो सिवाय जिद और हठधर्मी के और कुछ नहीं होगा। और शिफा होना, रहमत होना, हिदायत होना आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह मौजूद है। बल्कि आप हैरान होंगे, ये कुरान का मौजजा है कि कुरान के करीब अगर गैर मुस्लिम आता है ना, गैर मुस्लिम, अल्लाह गैर मुस्लिम को कुरान की बरकत से ईमान का नूर अता फरमाता है, और अगर मुसलमान कुरान के करीब आता है अल्लाह इसके बातिन को पहले से ज्यादा रोशन फरमाता है। मॉरिस मिकाले एक क्रिश्चियन सकालर है, क्रिश्चियन सकालर, वो अपने मुसलमान होने के बारे में अपनी किताब में लिखता है कि मैं मुसलमान कैसे हुआ। कहते मुझे किसी आलम ने तबलीग नहीं की, मुझे किसी मुसलमान ने नहीं कहा। वो कहता है कि मेरे मुसलमान होने का जो सबब बना है मुसलमानों के नबी मोहम्मद मुस्तफा पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद बनी। पूछने वाले ने पूछा कैसे, वो कहता है कि आई हैव रीड मेनी बुक्स इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, आई हैव फाउंड मेनी एनालिसिस बुक, मैं जो किताब उठाता हूं उसके हर सफे और हर लाइन में कोई ना कोई गलती पाता हूं। लिखने वाले ने लिखा कुछ और था कुछ,
लिखने वाले ने बताया कुछ और हकीकत में था कुछ। हर सफ़े पे गलती, हर सफ़े पे गलती। कहते बट व्हेन आई रीड होली कुरान, और जब मैंने इस कुरान को पढ़ना शुरू किया, आई कुड नॉट एनी सिंगल एरर इन द बुक, मैंने एक गलती भी इस किताब में नहीं पाई, तब से मेरे जमीर ने यह ऐलान किया, जमीर ने गवाही दी, ये किताब भी सच्ची है और जिस मोहम्मद पे ये नाज़िल हुई वो मोहम्मद भी सच्चा है। से उसके लिए ईमान का दरवाजा खोल देता है, और अगर मुसलमान पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए बरकतों और रहमतों के दरवाजे खोल देता है। तो इसलिए बहसियत मुसलमान इस माह मुकद्दस की बाबरकत घड़ियों में हमने अपने जमीर से, अपने दिल से, इरादे से यह फैसला करना है कि हमने अपने आप को तादमे जिंदगी कुरान और सहर कुरान से जोड़ के रखना है, ताकि कुरान हमारे लिए शिफा भी बने, हमारे लिए रहमत भी बने, हमारे लिए बरकत भी बने। हजरत बाबा फरीदुद्दीन दर्जे शकर अलैहिर्रहमा, आपसे लोग दम करवाने आते ना तो कुरान की एक दो आयत पढ़ के फूंक मारते, अल्लाह बीमार को शिफा अता कर देता है, ठीक है, किसी भी बीमार को शिफा अल्लाह ही देता है, ये बात जहन में, ये डॉक्टर की दवाई, किसी पीर फकीर का दम तमीज, ये सबब है, ये क्या है, सबब है। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि बास आप गलत फहमी की बिना पे इसको शिर्क कहना शुरू कर देते, ये शिर्क नहीं है बल्कि ये सबब है। जिस तरह बीमारी दूर करने के लिए हम डॉक्टर को सबब बनाते हैं, उसकी दवाई को सबब बनाते हैं, इसी तरह कलामे इलाही से भी बीमार को ठीक करवाना ये सबब के तौर पर है, ये कोई शिर्क नहीं है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन दर्जे शकर अलैहिर्रहमा सूरह फातिहा पढ़ते, कुरान की आयत पढ़ते, बीमार पे दम करते, वो बीमार घर पहुंचने से पहले जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है। वो लोग बार बार आते हैं जाते हैं, जब तंग हुए तो लोगों ने कहा हजरत आप हमें बता दे क्या पढ़ते हो, हम खुद पढ़ के भूख मार दिया करें। नहीं, तो आपने फरमाया कि चलो तुम्हें आने जाने में मसला है तो यासीन पढ़ के दम कर दिया। तो वो लोगों ने घर बैठ के बीमारों पे यासीन पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन वो ठीक ना हुए। वो लोग फिर आपके पास आए और कहने लगे हजरत आप तो एक दो आयत पढ़ के दम करते हैं मरीज ठीक हो जाते हैं, हमने तो 72 मरतबा यासीने पढ़ी, बीमारों पे दम किया वो ठीक नहीं हुए। हजूर कुछ और भी आप साथ पढ़ते हैं तो वो बता दो। आपने फरमाया पढ़ता मैं भी यासीन की रहते हूँ, पढ़ते तुम भी यासीन की रहते हो, पढ़ता मैं भी कुरान से हूँ, पढ़ते तुम भी कुरान से हो, अगर तुम्हारे पढ़ने के बाद वो कुरान शिफा नहीं बन रहा तो फिर कोशिश करो तुम्हारी जुबान फरीद वाली बन जाए, तुम्हारी जुबान फरीद वाली बन जाए, वो जुबान सच बोलने वाली बन जाए, वो जुबान जो है हकीकत बोलने वाली बन जाए, जुबान जो है हर उस गुनाह से महफूज हो जाए जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने गुनाह करार दिया है, तो फिर तुम्हारी जुबान से भी उस कुरान की आयतें निकलेंगी तो अल्लाह तुम्हारी जुबान से पढ़ने को भी उस कुरान को लोगों के लिए शिफा बना दे। तो इसलिए अर्ज मैं ये कर रहा था कि ये तो आज भी 1450 साल गुजरने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है, इतना अरसा गुजरने के बाद भी उसी तरह रहमत है, उसी तरह हिदायत, क्योंकि ये ऐलान ये किसी मौलाना साहब का नहीं है बल्कि कुरान भेजने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है कि ये जो किताब भेज रहा हूं ये तुम्हारे लिए शिफा भी है, रहमत भी है और बरकत भी है। अब ये तुम्हारे जिम्मे है कि तुम इसको सिर्फ रखकर, इसको जो है ना समझकर, ना पढ़कर रिवायती तौर पर जो है गफलत का शिकार रहते हो या इसके करीब होकर इसकी बरकतें हासिल करते हो, बल्कि आप हैरान होंगे ये तो वो किताब है, ये रूहानी और दीनी बरकतें तो हैं ही, ठीक है, दीनी बरकतें तो हैं ही। इस कुरान के साथ जुड़ने का एक ये भी फायदा है कि जो इस कुरान से जुड़ता है अल्लाह उससे दुनिया में भी इज्जत वाला बना देता है, इज्जत वाला बना देता है दुनिया में भी, और अल्लाह दुनिया के मामला उसके लिए आसान फरमाता है। इमाम अबू हनीफा के बड़े मशहूर शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह,
बड़े उनके जो है करीबी शागिर्दों में से हैं और इल्मी दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है इमाम यूसुफ का। जब ये दीन की तालीम हासिल करके आए ना घर में, तो गुर्बत का ये आलम था कि मां ने पकौड़े से खुश्क रोटियां निकाल के दी बेटे को, खुश्क रोटियां। आपने पूछा, मां मैं दीन पढ़ के आया हूं और इतने अरसे के बाद भी घर में मुझे ये खुश्क रोटी मिल रही है, तो क्या हमारे हालात जो है इसी तरह रहेंगे? आपकी मां ने कहा, बेटा तुम नबी का दीन पढ़ के आए हो, मुझे यकीन है कि अल्लाह इस दीन के सदके से हमारे हालात बदल देंगे। मां ने ये बात मां और बेटे के दरमियान हो रही थी, तो आप बाहर निकले, चलते चलते एक चौक में पहुंचे तो वहां पे वक्त का बादशाह हारून रशीद और उसकी बीवी वो आपस में इस बात पे झगड़ रहे थे कि हारून रशीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और तलाक देने की वजह हारून रशीद की बीवी जुबैदा बनी कि जुबैदा ने यह कहा कि ऐ हारून रशीद तू तो है ही जहन्नमी। ये बीवी ने शौहर को कह दिया कि तू है ही जहन्नमी। जब हारून रशीद को जहन्नमी कहा ना उसकी बीवी ने, तो हारून रशीद ने आपके सवा शेर बन के फिर जुमला बोला और कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो जा तुझे तलाक है, जा तुझे, अगर मैं जहन्नमी हूं तो फिर तू मेरे पास रह नहीं सकती, जा तुझे तलाक है, तू अपनी जन्नत में रहना चाहती है, जहन्नमी के पास घर है। जब ये मियां बीवी के दरमियान जुमले बोले गए तो ये तूल पकड़ते पकड़ते अब इस नहर पे आए कि इसका हल क्या निकाल। वो ये इमाम अबू यूसुफ जो अभी अभी आलम बन के आए थे, जो कुरान का नूर अपने सीने में महफूज करके आए थे, इनका गुजर हुआ तो आपने कहा कि इस मसले का हल मैं निकाल देता हूं। बादशाह ने दरबार सजाया, दरबारी उलमा बिठाए और ऐलान हुआ कि इमाम अबू यूसुफ इस तलाक वाले मसले का हल निकालेंगे। जब दरबार सजाया गया तो इमाम अबू यूसुफ ने बादशाह से पूछा, अय बादशाह सलामत, कभी जिंदगी में वो भी वक्त आया है कि जब गुनाह करने की पूरी ताकत हो, जब गुनाह करने का पूरा मौका हो, जब गुनाह करने का हर वसीला जरिया मौजूद हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया हो, अल्लाह का डर पैदा हो गया हो, और ये समझ कर तुमने गुनाह ना किया हो कि मैं रब को क्या मुंह दिखाऊं, रब को क्या मुंह दिखाऊं, क्या ऐसा मौका आया? हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, इंसान अल्लाह से डर जाता है, खौफ खा जाता है, गुनाह से बाज आ जाता है। बादशाह ने कहा, अए अबू यूसुफ, ऐसे मौके तो मेरी जिंदगी में बड़ी मरतबा है, गुनाह पे कातिल भी था, कोई देखने वाला भी नहीं था, हर जरिया मौजूद था गुनाह करने का, जुल्म करने का हर जरिया मौजूद था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं रब और उसके रसूल मोहम्मद को क्या मुंह दिखाऊंगा। आपने फरमाया, जा, फिर तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे लिए मुबारक है कि तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई। सारे उलमा देख रहे हैं, बादशाह देख रहा है कि कैसे तलाक नहीं हुई। आपने फरमाया, तूने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया है, वाली मन खासा मकाम रब ही जन्नतान, के जो रब से डर जाता है, रब की बारगाह में खड़े होने से डर जाता है, अल्लाह उसको जहन्नम नहीं देता, बल्कि डर के बदले में अल्लाह उसको दो जन्नतें अता फरमाता है। फरमाया, तू बीवी के कहने पे जहन्नमी नहीं बन गया, बल्कि अगर रब से डरते हुए तूने गुनाह छोड़ा है तो रब कहता है तेरे लिए एक भी नहीं दो जन्नतें। फरमाया, जब तू जहन्नमी नहीं है तो फिर तेरी बीवी भी तलाक नहीं हुई। तो फिर ये जब मसला हल हुआ ना, तो फिर हारून रशीद ने कई खच्चर सोने के लादकर अबू यूसुफ को तोहफे में दिए थे और कहा था कि जिस नबी के दीन की बरकत से तू मेरी ये मुश्किल कुशाई करता है, जा अबू यूसुफ ये सारा
रसूल की उम्मत को मुश्किल से निकालकर उनके लिए आसानियां पैदा कर ताकि लोग अल्लाह के कुरान के नूर से मालामाल हो। तो कुरान जो है वो सिर्फ आखिरत के लिए नहीं, सिर्फ बरकत के लिए नहीं, बल्कि जो इससे जुड़ता है अल्लाह उसके लिए दुनिया का मामला भी आसान करता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, आका करीम की मजलिस में सहाबी तशरीफ फरमा है, हजरत इज़राइल अलैहि सलाम आए तो हजूर इज़राइल को देख के मुस्करा रहे और इज़राइल हजूर को देख के मुस्करा रहे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कोई मुस्कराने वाली बात नहीं हुई, अचानक आप मुस्करा रहे तो क्या बदला? हजूर ने फरमाया कि मेरी इस मजलिस में एक शख्स बैठा है जिसके लिए जबरील अलैहि सलाम ये बता कर गए हैं कि ये चंद लम्हों का मेहमान है और फिर मैंने इसकी रूह को कब्ज कर लेना है। मैं मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि वो मेरे पास बैठा है और उधर इजराइल उसके मरने की खबर लेके आ गए और वो देखो कि बिल्कुल जिस तरह एक मस्त जिंदगी गुजारता है बंदा उस तरह रूटीन में बैठा है जबकि ये चंद लम्हों का मेहमान है। जब आका ने ये बात बताई ना तो सब सहाबा जैसे सत्ते में आ जाते हैं तो वो सब सहाबा उस करने लगे, या रसूल अल्लाह वो कौन है उसका आप बता दें। आका करीम ने वो सहाबी नॉमिनेट किया, वो हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अगर आपने बता ही दिया है तो आप मेरे लिए कोई निजात का रास्ता भी बताए, मैं कौन सा ऐसा अमल करूं, कौन सा काम करूं, मैं कौन सा विर्द वजीफा करूं कि मरने के बाद अल्लाह मेरे लिए मरने के बाद का मामला आसान कर दे। आका करीम ने फरमाया हाँ हाँ, अगर तुझे मरने के बाद के मामला को आसान करने की पड़ी है तो आप मेरे पास आ जा, मैं मोहम्मद कुरान पढ़ाता हूँ और तू पढ़ता जा और उस वक्त तक के जब तक तेरी रूह भी कबर हो जाती तू कुरान की ऐसे पढ़ता रहे, इस हाल में मरने का फायदा ये होगा कब्र बाद में बनेगी, हिसाब बाद में बनेगा, अगर कुरान पढ़ते मर गया तो अल्लाह बगैर हिसाब के तुझे जन्नत देगा। तो इसलिए इस कुरान को आज भी अपने लिए शिफा समझे, आज भी अपने लिए रहमत समझे, आज भी अपने लिए हिदायत समझे और इसके साथ अपनी संगत को, अपने बच्चों को इसके साथ जोड़े। इसके बाद एक दो बातें मैंने एतिकाफ के हवाले से आपके होश गुजार करनी थी। आप सब जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह काबा 16 रमजान मुबारक है और आज से चौथे दिन तकरीबन मंगल की शाम को जो है पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में वो खुश नसीब मुसलमान कि जिनको अल्लाह एतिकाफ की तौफीक नसीब फरमाएगा वो अल्लाह के घरों में मोतकिफ बन के बैठेंगे। और ये बड़ी ही अजमत वाली बात है कि सरकार सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जिस बंदे को एक दिन एतिकाफ बैठने की सादत मिल जाए, एक दिन और एक रात, अल्लाह उसको तीन खंदकों के बराबर दोजख से दूर कर देता है। और खंदक का फासला कितना है? जमीन से आसमान तक एक खंदक। तो इतने तीन फासले वो एक दिन और एक रात एतिकाफ बैठने वाला एतिकाफ की बरकत से दोजख से दूर हो जाता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा खलूस से दिल से अल्लाह को राजी करने के लिए ये एतिकाफ़े सुन्नत बैठता है, इस 10 दिन के एतिकाफ का सवाब अल्लाह ताला ने उसको एक हज और दो उम्र के बराबर अल्लाह अता फरमाया। हमारे यहां एतिकाफ का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक रिवाज है, तकरीबन हर जगह हर मोहल्ले में जो है कुछ नसीब हज़रात एतिकाफ बैठते हैं। लेकिन एक चीज जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता वो आका करीम ने बयान फरमाई, वो हमारे लिए बड़ी काबिले गौर है। आका ने फरमाया मन एतिकाफ वह वयाकिफ मिनज़्ज़ुनूब, जो बंदा एतिकाफ बैठे और अपने आप को गुनाहों से बचा के रखे, यानी एतिकाफ में भी गुनाहों से बचा के रखे। लेकिन ये शर्त हमारे यहां एतिकाफ वालों में बहुत कम पूरी होती है। एतिकाफ बैठा जाता है वो साथ में मतलब है उसी तरह पूरी दुनिया और खानदान से रابطہ रहता है कि जिस तरह एतिकाफ में आने से पहले होता है।
अल्लाह के घर में आके उसी तरह मतलब है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, मोबाइल का इस्तेमाल है, रابطہ है, रिश्तेदार भी ऐसे टूट टूट के आ रहे हैं कि जैसे वो कोई कश्मीर पता करने के लिए गया बैठे और चाहे तो चाहे और राजी बनने वाला है तो हम उसको फौरन मिल लें। देखें तो इस मतलब थोड़ा ये यहाँ पर भी मैं दावत देता हूँ कि जो अहबाब के इत्तेकाफ की सादत हासिल करते हैं तो यहाँ पर भी इत्तेकाफ या जहां भी आपने बैठना है तो ये जुमला हदीस का याद रखना है, वह सुनो वो वहां पर अपने आप को गुनाहों से बचा के रखता है, गीबत ना करे, चुगली ना करे, हर लम्हा अल्लाह की रजा और इबादत में गुजारे। आका करीम फरमाते हैं युजज़ा लहु मिनल हसनाते कामिलिल हसनाते कुल्लिहा, जो इस तरह का इत्तेकाफ करता है अल्लाह ना सिर्फ उसको सवाब अता करता है बल्कि उसकी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देता है, गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। तो हमारे यहां बहुत सारी इस्लामी चीजें, इस्लामी त्योहार वो मजाक बनते चले जा रहे हैं, तो उनमें से एक इत्तेकाफ भी है। तो ये इत्तेकाफ अल्लाह के घर में अल्लाह के लिए अपने आप को जमाने का नाम है, और यकीन करें अल्लाह का वादा है कि ये इत्तेकाफ के बाद जो बरकत जो नूर वो पिछली कौमों के लोग 6-6 महीने बाद हासिल करते थे अल्लाह ने हजूर के सर के 10 दिनों में हजूर की उम्र बता दी। तो इसलिए इत्तेकाफ के लिए जो भी अहबाब इस सोसाइटी से यहाँ पे बैठना चाहते हैं या जो अहबाब बाहर से तशरीफ लाते हैं उनमें से कोई बैठना चाहता है तो वो यहाँ के जो हमारे इमाम साहब है मौलाना मोहम्मद इबराज साहब इनको अपना नाम लिखवाए। और इस मरतबा मैंने अपने 5 शागिर्दों की यहाँ पे ड्यूटी लगा दी है, एक शागिर्द जो है वो 2 दिन इत्तेकाफ वालों को 3 घंटे आगे बढ़ाएगा, ठीक है, एक दिन जो है नूरानी कैदा, 2 दिन नूरानी कैदा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद नमाज वुजू और गुस्ल के मसले बताए जाएंगे, नमाज जनाजा का तरीका और मसले बताए जाएंगे, और सूरह अहज़ाब का तर्जमा जो है वो आपको जो है एहतिकाफ वालों को यहाँ पे सिखाया जाएगा 10 दिनों में। 2 दिन मैंने खुद जो है उस क्लास में हाजिर होना है और बाकी 8 दिन हमारे मदरसे के 4 बच्चे तालिबे इल्म के मुकम्मल फाजिल है वो आके इंशाअल्लाह जो है एहतिकाफ वालों को पढ़ाएंगे। तो इस मरतबा जो भी एहतिकाफ बैठे वो अपने आप को एक दरवेश और मलंग बना के लाए, ठीक है ना, और ये जो प्रोटोकॉल है और दाएं बाएं ये चीजें खत्म कर दो, यानी ये इबादत के साथ मजाक बनता जा रहा है। और इसका आगाज इलाके में ये अल करीम गार्डन सोसाइटी की मस्जिद को हासिल होगा कि एक ऐसा मयारी और एक अच्छा और तरबियती एहतिकाफ करें कि आपको देखकर बाकी मस्जिदों वाले जो है इसकी नकल किए और वे भी इस तरह एहतिकाफ करें। अल्लाह ये नेकी आप सबकी कबूल फरमाए। और आखिर पे एक ऐलान सुनाता हूं, आप सब जानते हैं कि मुझे यहाँ पे तकरीबन 11 माह या साल होने को है, मेरे अपने 2 दीनी इदारे, एक बच्चियों का चुंगी पे और एक गुलशन दबू में बच्चों का, 11 माह के बावजूद मैंने अपने उन इदारों के लिए यहाँ पे किसी से फंड का ऐलान नहीं किया। और ईद के बाद इंशाल्लाह आपकी सोसाइटी को बच्चों और बच्चियों के लिए दीनी इदारा हम देने जा रहे हैं, उसके लिए भी अभी मैंने किसी को नहीं कहा बराबर। लेकिन मेरे लिए जो मदरसा मुर्शिद खाने का दर्जा रखता है, बल्कि सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरे लाहौर के लिए और पूरी आलमी इस्लामी बरादरी के लिए, वो हमारा जामिया नईमिया, ठीक है, हर पाशऊर जानता है कि उसका मुल्क पाकिस्तान में क्या किरदार है दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कौम के लिए। तो मुझे कल डॉक्टर आरिफ नईमी साहब ने हुक्म देकर जो है ये कहा है कि हमारे बच्चे वो आपकी मस्जिदों में आएंगे तो आपने उनके लिए फितराने और जकात की मद में जो है तआमुन करवाना है। तो मैंने अपना सर इताअत के साथ झुका दिया, मैंने कहा अपने मदरसों के लिए करे या ना करे, वो जामिया नईमिया के जिसने अब तक हजारों लाखों लोगों के सीनों को इल्म के नूर से जो है मुनव्वर किया और ये मदरसे अल्लाह की इज्जत की कसम ये कायम है, तो हमारे अंदर जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर मौजूद है। आलमी सतह पर जो साजिशें दीन के खिलाफ होती है ये इन मदरसों का रोल है कि इनके होने की वजह से जो है आज भी इस्लाम जिंदा और ताबिंदा है। तो उस जामिया
नहीमिया के लिए, आप हजरात में से जिसने अभी तक ज़कात अदा नहीं की, फितराना अदा नहीं किया, या वो नफली तआवुन करना चाहता है, तो उस इदारे के बच्चे वो मेरे लिए उस्ताद खाना भी है और पीर खाना भी है। और इंशाअल्लाह ईद के बाद जो यहाँ पर हम इदारा लॉन्च करने लगे हैं उसका इफ्तिताह भी वो डॉक्टर आदिल नईम साहब खुद आके अपने हाथों से जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं पर इसी मस्जिद में पिछले बुलाएंगे। तो इसलिए मैं आप सब आपसे गुजारिश करूंगा कि उस इदारे के बच्चे आए तो आपने ना सिर्फ अपना अखलाकी फर्ज अदा करना है बल्कि मेरी भी लाज रखवानी है। ये बच्चे आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो इस तरह चक्कर लगा लें, जो अहबाब जो है ज़कात फितराने या नफली तआवुन के मद में जामिया नईमिया के लिए तआवुन करना चाहता है, मोहब्बत के साथ वो तआवुन करें और मैंने अपना हिस्सा वो डाल दिया है कि कारी साहब आप इनको दे दें। तो अल्लाह ताला इस तआवुन से जो है आपके रिश्ते माल में बरकत अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा कि दीनी इदारों का आप जो है मखसूस एक फंड रखा करें। दीनी इदारों की खिदमत का ये फायदा होता है कि ज़कात फितराना और फर्ज भी अदा हो जाता है और दीन की इशाक में भी जो है हमारा हिस्सा डल जाता है कि ये जामियात जो है बढ़ते रहेंगे, फलते रहेंगे, तबलीग होती रहेगी, तालीम होती रहेगी। वो हदीस मुबारक में आता है ना कि अल्लाह ताला जो है इन मुबारकों को ये मकाम अल्लाह ने अता किया है कि दीन का आने को ताले को उसके लिए जो है वो समंदर की मछलियां दुआ करती है, बिलों की चींटियां दुआ करती है। पूछा गया क्यों, आका ने फरमाया इसलिए कि जब तक ये दीन पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद रहेंगे तो दुनिया में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौजूद रहेंगे, और जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौजूद रहेंगे अल्लाह कयामत कायम नहीं करेगा। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला जामिया नईमिया को और उनके साथ जुड़े दीगर सैकड़ों इदारों को अल्लाह ताला पहले से ज्यादा दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उस इदारे के साथ अपनी अकीदत